पुलिस ने बंद कराया पेयजल लाइन का काम, तो विधायक अमिताभ वाजपेयी ने दिया थाने के बाहर धरना। पेयजल लाइन का काम बंद कराने के और ठेकेदार को गिरफ्तार करने के विरोध में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आज अनवरगंज थाने के बाहर धरना दिया। धरने में मौजूद विधायक समर्थकों और इलाकाई लोगों ने जोरदार नारेबाजी की। कहा गया कि पेयजल लाइन का काम रुकवाना लोगों को पानी से महरूम रखने की साजिश। दरअसल तलोवा मंडी में विधायक अमिताभ वाजपेयी भाजपा की निधि से पेयजल लाइन डलवाने का काम चल रहा था। सड़क पर काम होने के दौरान पुलिस ने काम बंद कराने के साथ ही ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। विधायक का आरोप है कि बेवजह काम को बंद करा दिया गया, जिसके विरोध में धरने पर बैठे हैं। तलोवा मंडी कोपरगंज में कई वर्षों से पेयजल की समस्या थी। मैंने अनेक प्रयास जलकर जल निगम में किए समस्या दूर हो जाए, परंतु कोई सार्थक रास्ता नहीं निकला। तो मैंने विधायक निधि से वहाँ पर लाइन पास कर और वो लाइन का काम पूरा होके कल रात में अंतिम पाइप पड़ के लाइन जुड़ने जा रही थी। तब तक कुत्सित प्रयास भाजपा नेताओं के, उन्होंने आगे लाइन को जोड़िया पुलिस की मदद से रुकवा दिए और रुकवा के जेसीबी ठेकेदार कर्मचारियों को थाने में कर दिया, जबकि लाइन जलकल विभाग द्वारा ही डाली जा रही थी। निधि का पैसा मेरी क्षेत्र विकास निधि का प्रयोग हुआ था, लेकिन जलकल द्वारा डाली जा रही थी, लेकिन उन्होंने बगैर जानकारी करे अपने अहंकार में उनको जमा करा दिया थाने में। मैंने रात में बात करी अधिकारियों से, कोई रास्ता नहीं निकला। सुबह मैं 9:30 बजे थाने पहुंच गया। मैंने प्रयास किया कि रास्ता निकल जाए, पर नहीं निकला। 1.5 घंटे के बाद 11 बजे आखिर में धरने में बैठना पड़ा और 15 मिनट धरने में बैठने के बाद सारी बातें जो मैं कह रहा था मान ली गई और उन्होंने वादा किया जब कल अधिकारियों ने कि 2 दिन में लाइन चालू करा के जनता को पानी देने का काम। पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं बता पा रही है। सपा विधायक के मुताबिक तलोवा मंडी में पेयजल लाइन डाले जाने की काफी समय से मांग चल रही थी। काफी प्रयासों के बाद सफलता नहीं मिली तो अपनी विधायक निधि से इसे बनवाने का काम करा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को शायद विकास कार्य पसंद नहीं है। कानपुर से संवाददाता प्रांजुल मिश्रा की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज।